अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कुमार, आइए सबसे पहले सुनने की सादात हासिल करेंगे हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सफर में जो हमने किया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वजू कर रहे थे, बस पांव को धोने के बदल हम यूं ही सा पांव धो रहे थे। यह हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में पुकारा और कहा, देखो एड़ियों की खराबी दोजख से होने वाली है। दो या तीन बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही बुलंद आवाज में ये बात फरमाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एड़ियों को अच्छी तरह से साफ धोना लाजमी है। हदीस मुबारक सही बुखारी। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी में मजबूत व ताकतवर उम्मीदवारों का फुकदान, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाने का मंसूबा। 3 एमपीज को असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उतारा गया, साथ ही बीजेपी राजा सिंह की मुअत्तली को मंसूख करने पर हुई मजबूर। इसराइली मसनूआत का बाइकाट लाजमी, मुसलमान इन मसनूआत को हराम समझे और फलस्तीनी भाइयों के काज में खुद को शामिल कर लें। बोधन जमीतुल उलमा के जिम्मेदारान का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। नेहरू पार्क की तजमीन और फव्वारे की तंसीब, उर्दू नजरअंदाज। उर्दूदा हलके की नाराजगी को महसूस करते हुए TUWJ ने उर्दू तहरीर करने का लिया फैसला, कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने की सताइश। यौम शहदा पुलिस के मौके पर फ्लैग डे का एहतमाम, पुलिस की जबरदस्त मोटर बाइक रैली। रिचपली से ये रैली मुख्तलिफ इलाकों का इहाता करते हुए पुलिस ग्राउंड निजामबाद पर अख्तिताम पजीर हुई। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाने की ख्वाहिशमंद है, मगर मौजू और ताकतवर उम्मीदवारों की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। बीजेपी ने 3 अराकीन ने पार्लियामेंट को अपना उम्मीदवार बनाया और राजा सिंह की मुंतकिली को मनसूख करने पर मजबूर हो गई। इटाला राजेंद्र गजबेल से वजीर अला KCR के मध्य मुकाबले होंगे। बीजेपी ने हर हाल में रियासत तेलंगाना में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करने का जहन बना लिया है और हर हल्के असेंबली में बहुत ही सोच समझकर मजबूत तरीन उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला लिया गया। लेकिन अफसोस कि बीजेपी के पास मजबूत उम्मीदवारों की कमी थी, लिहाजा मजबूरी के आलम में 3 अराकीन पार्लियामानी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को टिकट देकर इंतखाबी मैदान में उतारा गया। साथ ही पार्टी से मुअत्तल शुदा बदनाम जमाना बीजेपी MLA राजा सिंह की मुअत्तली को भी खत्म कर दिया गया। हालांकि बीजेपी हाईकमान ने सख्त मौकफ के साथ मुअत्तली की नोटिस जारी की थी, लेकिन अपनी कमजोर साख और मजबूत उम्मीदवारों की अदम मौजूदगी की वजह से बीजेपी राजा सिंह जैसे जहरीले इंसान की मुअत्तली को खत्म कर देने पर मजबूर होना पड़ा। और अब ये बात यकीनी है कि राजा सिंह गोशा महल से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। जिन MPs को बीजेपी ने असेंबली इंतखाबात में उतारा उनमें निजामाबाद डी अरविंद है, जिनको हल्के असेंबली कोरटला मिटपल्ली से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय को हल्के असेंबली करीमनगर से उम्मीदवार बनाया गया, जबकि MP स्वयं बाबूराव हल्के असेंबली बोध से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी की पहली फहरिस्त में जुमला 52 उम्मीदवारों के नाम शामिल है, जिनमें 3 मौजूदा MPs भी शामिल है। इसके अलावा बीजेपी के ताकतवर कायद जो सबक BRS से वाबस्ता थे और BRS में ताकतवर मौकूफ रखते थे, लेकिन वजीर आला से इख्तलाफात और उन पर आए धांधलियों के इल्जाम और वजीर की हैसियत से मुअत्तली के बाद उन्होंने BRS से अलहदगी अख्तियार की और फिर बीजेपी में शामिल होकर दोबारा असेंबली के जमनी इंतखाबात में हुजूर आवाज से हिस्सा लिया और शानदार कामयाबी हासिल। इसको इटला राजेंद्र की जीत और वजीर आला KCR की शिकस्त माना जाता है, लिहाजा बीजेपी ने इस बार इटला राजेंद्र को 2 हल्कों से अपना उम्मीदवार बनाया। वो अपने मौजूदा हल्के हुजूराबाद के अलावा हल्के असेंबली गजवेल से भी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जहां से BRS के उम्मीदवार खुद वजीर आला KCR हैं। लिहाजा अब वजीर आला KCR और इटला राजेंद्र का गजवेल में रास्त मुकाबला होगा। इसके अलावा जिला निजामबाद में हल्के असेंबली निजामबाद अर्बन से बीजेपी के रियासती कायद धनपाल सूर्य नारायण को उम्मीदवार बनाया गया और बालकोंडा से अन्ना पूर्णिमा बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। आरमूर से P राजशेखर को बीजेपी ने उम्मीदवार
सरकार बनाया है। माँ बाकी ऐलानात बाकी है। कामरेडी जिले के हल्के असम्बली जुक्कल से अरुणा तारा और कामरेडी से वेंकट रमना रेड्डी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। जमीत उल्मा भोजन ने इसराइली जारियात की कड़ी मजम्मत की और कहा कि तमाम आलम के मुसलमान और इंसाफ पसंद इंसान इस जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हों। मौलाना ने कहा कि इसराइली मसनूआत का बायकॉट लाजमी है, इस तरह हम फिलिस्तीनी भाइयों की मदद कर सकते हैं। जमीत उल्मा बोधन के जिम्मेदारान व अराकीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया और फलस्तीन के खिलाफ इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत की। कहा कि निहत्ते इंसानों बिलखसूस खवातीन और कमसिन मासूम बच्चों को जालिमाना व वहशियाना बम्बारी का निशाना इंसानियत के माथे पर बदनुमा दाग है। उल्मा ने कहा कि इसराइली गाजिब है और जालिम है और इसने फलस्तीनी जमीन पर जाबिराना कब्जा किया हुआ है और फलस्तीनी मुजाहिदीन अपने अर्ज मुकदस के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और अपने हक व इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वाले फलस्तीनियों का कत्लेआम को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उल्मा ने कहा कि इसराइली की इस जालिमाना बल्कि वहशियाना बम्बारी व खून रेजी की दुनिया के तमाम मुसलमान और इंसाफ पसंद शहरी और इंसानी हकूक के अलमबरदार तंजीमें इस वहशियाना कार्रवाई की शिद्दत से मजम्मत कर रहे हैं और इस बमबारी को रोक देने का मुतालबा। जमीयत उलमा बोधन के उलमा व जिम्मेदारान ने मुतालबा किया कि इसराइली हुकूमत पर तमाम इंसाफ पसंद ममालिक और तंजीमें दबाव बनाए और उसकी जालिमाना कार्रवाइयों को रोके। उलमा ने कहा कि इस्लाम पसंद और अर्ज मुकदस के तहफ़ के लिए बरसर पेकार हमास के लिए खसूसी दुआओं का अहतमाम किया जाए और खास तौर पर आयमा इकराम फज्र की नमाज में खुनूत नाजला का अहतमाम करे और घरेलू खवातीन बकसरत आयत करीमा का विर्द करे और तमाम ही मुसलमान चलते फिरते क़िबले उला की बाजियाबी के लिए बकसरत दुआ करते रहे और साथ ही वजीफे पढ़े, सदका व खैरात का अहतमाम करे। उलमा बोधन ने दुनिया के तूल और अर्ज में बसने वाले तमाम ही इंसान दोस्त इंसाफ पसंद अहबाब से दर्दमंदाना अपील की है कि वो इसराइली मसनूआत का सख्ती से बायकॉट करें। खास तौर पर मुसलमानों से अपील की गई है कि अगर आपके दिलों में हल्की सी भी ईमान रमक बाकी है तो फिर इसराइली मसनूआत से अपने आप को दूर कर लें। यह भी आपके क़िबला अव्वल की बाजियाबी में हिस्सादारी मानी जाएगी, बल्कि मुसलमान इसराइली मसनूआत को अपने लिए हराम तसव्वुर करें क्योंकि इस मसनूआत की आमदनी से ही फलस्तीनी बेगुनाह नौजवानों खवातीन और मासूम बच्चों का कत्लेआम कर रहे हैं। अगर हम इन इसराइली मसनूआत को खरीदते हैं तो इस कत्लेआम के गुने में हम भी बराबर के शरीक माने जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना अब्दुल हमीद साहेब खासमी, हाफिज शेख नसीर, हाफिज मोहम्मद आसिफ, हाफिज अब्दुल मलिक, हफीज शेख सोहेल, शेख रफी, कोएश शकनगर, मुश्ताक अहमद गवर्नमेंट रिटायर्ड टीचर, हाफिज अब्दुल मगनी और हाफिज अमीरुद्दीन के अलावा दिगर शरीक थे। जमीयत उलमा बोधन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान जारी किया जा रहा है कि इस वक्त जालिम इसराइल की जानिब से फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर जो बमबारी की जा रही है उसकी वजह से सारे आलम के मुसलमान और सारे आलम के इंसाफ पसंद शहरी और हुकूक इंसानियत के तमाम मेंबरान बेइंतहा गमगीन हैं। इसराइल जो एक नाजायज़ मुल्क है और इसकी जानिब से फलस्तीन के निहत्थे नौजवानों पर, मासूम बच्चों पर, औरतों पर बमबारी की वजह से अब तक 5,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मासूम बच्चे अपने वालिदैन के हाथों में दम तोड़ रहे हैं और ज़ख्मी माएँ मासूम बच्चों के सामने दम तोड़ रही हैं। इस कदर जालिमाना बमबारी शायद तारीख में कभी नहीं हुई है। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो सरफ हो, चाहे वो दांतों को मांजने वाली ट्यूब वगैरह, कोलगेट वगैरह हो, जो भी इसराइल की बनी हुई चीज़ें हैं हम उसको अपने लिए हराम समझें, क्योंकि इसराइल जो सारी दुनिया के अंदर अपनी चीज़ें फरोख्त करता है उसकी आमदनी के ज़रिए से फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों का खून बहाता है और बेरहम बनकर छोटे छोटे बच्चों की जान लेता है। तो ऐसी सूरत में हम पर लाजिम है कि हम इसराइल का बायकॉट करें।
नेहरू पार्क की 10 दिन के बाद उर्दू को नजरअंदाज किया गया था। साफियों की तंजीम TUWJ ने इस कमी को महसूस किया और अपनी जानी से बोर्ड तहरीर करवा कर लगाया। कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने साफियों को दिली मुबारकबाद दी और इनके जज्बे की सताइश की। नेहरू पार्क का हाल ही में तजनी नौ के बाद दोबारा इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर खलबे शहर और उरुदा हल्के से मुतासिल इस नेहरू पार्क पर सिर्फ तेलुगु में ही बोर्ड नस्ब किया गया था, जो या तो बलिया की लापरवाही थी या फिर गलती। बहरहाल निजामत के तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन से वाबस्ता सहाफियों ने इस नेहरू पार्क और इस पर बनाए गए खूबसूरत फव्वारे पर उर्दू की कमी को शिद्दत से महसूस किया और फिर सहाफियों ने तय किया कि इस नेहरू पार्क पर फेडरेशन की जानिब से उर्दू बोर्ड की तहरीर अमल में लाई गई, जिससे नेहरू पार्क की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया। उर्दू दा हल्कों ने सहाफियों की इस काविश की जबरदस्त सताइश की और सहाफियों को दिली मुबारकबाद दी। इतला मिलने पर कॉर्पोरेटर डिवीजन मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस फौरी नेहरू पार्क पहुंचे और उन्होंने इस बोर्ड की तंसीब पर सहाफियों को दिली मुबारकबाद पेश की। कहा कि जरूरत है कि उर्दू के फरोग के लिए हम सब मिलकर मुमकिन मसाई करें। खबलाजी सरपरस्त आला TUWJ अशफाक अहमद खान पापा ने सदर फेडरेशन मोहम्मद अफजल खान की काविशों की जबरदस्त सताइश की। कहा कि गलती से ही सही नेहरू पार्क पर उर्दू तहरीर नहीं की गई थी। इस बात को उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन ने महसूस किया और अपने तौर पर खूबसूरत अंदाज में बोर्ड तहरीर करवाया। इस मौके पर फेडरेशन के दिगर जिम्मेदारान रियासती सेक्रेटरी एमए माजिद मोहम्मद नाइम खमर, यूसुफुद्दीन खान, अहमद अली खान, खालिद खान, अब्दुल खदीर हुसामी तमीम, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद अतीक, साजिद अख्तर, मोहम्मद अमीरुद्दीन, सैयद आरिफ अली, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद बिलाल के अलावा दिगर मौजूद थे। इस मौके पर सदर जिला तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने कहा कि रियासत तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का मौकफ हासिल है, लेकिन इसके बावजूद भी ओहदेदार सरकारी मुखामात पर उर्दू तहरीर से गुरेज कर रहे हैं, जो कि इंतहाई गलत बात है। नेहरू पार्क की तजनीन और खूबसूरत फव्वारे की तामीर के बाद यहाँ पर सिर्फ तेलुगु में ही बोर्ड आवेजा किया गया था। उर्दू की कमी को उर्दूदा हल्कों ने शिद्दत से महसूस किया, लिहाजा TUWJ ने उर्दू बोर्ड तहरीर करवाकर आज आवेजा किया है। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी महकमा जात और इदारे जात में अगर उर्दू नजर नहीं आए तो फेडरेशन अपने खर्च पर तमाम मुखामात पर उर्दू तहरीर करवाएगी। जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तरफ से नेहरू पार्क पर उर्दू को फरोग दीजिए और नेहरू पार्क फवारा बोलकर और उसके ऊपर उर्दू को फरोग दीजिए बोलकर एक स्टिकर लगाए हैं। मैं तेलंगाना उर्दू एसोसिएशन का तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग की एसोसिएशन उर्दू के लिए और ज़्यादा काम करेंगे, उर्दू को फरोग देंगे। मैं फिर एक बार आप लोगों को सबको उर्दू वालों को मुबारकबाद देता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद। नेहरू पार्क पर को हाल ही में हमारे रुकन असेंबली बिगाड़ा गणेश गुप्ता की जानिब से जो फवारा नसब किया गया उसमें इंतजाम की तरफ से कुछ चूक हो गई कि पर उर्दू में तहरीर नहीं किया गया बोर्ड को, क्योंकि ये इलाका उर्दू बोलने वालों का है। इसको महसूस करते हुए हम तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट उर्दू फेडरेशन की जिले निजामबाग की शाख की जानिब से हमारे ज़िले सदर मोहम्मद अफजल खान की क़यादत में हमने वॉलंटरी तौर पर उर्दू का जो है वो नसब किया और हम ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा इस किस्म की गलती ना हो। आज TUWJF की जानिब से नेहरू पार्क पर जदीद फाउंटेन कायम किया गया था फव्वारा, उस पर उर्दू तहरीर गायब थी। इसी जीवन में हमारी यूनियन ने, हम सब ने मिलकर यहाँ पर उर्दू तहरीर लिखी है और मैं तमामी दुकानदारों से उर्दू दान तबके से ख्वाहिश करता हूँ कि अपनी दुकानों पर उर्दू तहरीर करें, ताकि आने वाले दिनों में हमारे बच्चों तक, हमारी नस्लों तक उर्दू पहुँच सके, क्योंकि हमारा जितना दीनी मवाद है सब उर्दू में है। अगर हम अपने साथ उर्दू को फरोग देंगे तभी सरकारी तौर पर भी उर्दू का फरोग मुमकिन है। और जो चूक हुई थी हमने उसको दुरुस्त किया। ऐसे ही जहाँ जहाँ उर्दू नहीं होगी हम अपनी जानिब से उर्दू तहरीर करते रहेंगे। तेलंगाना जमीतुल उल्फाज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हर माल की तरह इस माह भी मजहबी खिदमत गुजारों में माना राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई गई। जिम्मेदारान ने बताया कि गुज़श्ता कई सालों से ये खामोश खिदमत बहसन जारी है। शहर निजामबाद में अपनी समाजी व फलाह खिदमत पूरे तसल्सुल के साथ अंजाम देने वाली तंजीम तेलंगाना जमीतुल उल्फाज ने हर माह की तरह इस माह भी महाना तकसीम राशन प्रोग्राम मुनक्कद करते हुए एक मजहबी खिदमत गुजारों के मकानों को मुंतखब किया और इसी को अपना मिशन बनाकर
काम कर रही है। इस तंजीम की खसूसियत यही रही है कि जरूरतमंदों के नाम का इजहार किए बगैर उनकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाए बगैर पूरी राजदारी के साथ उन मुस्तकीन तक आला व मियारी चावल तेल दाल व दीगर अशिया खुर्दनोश उनके घरों तक पहुंचा दिया जाता है। दिखावे और खुद नुमाई के लिए तस्वीर कशी या वीडियोग्राफी से इस्तनाब करते हुए पूरी शफाफियत के साथ गुज़िश्ता कई बरसों से ये मिले खिदमत अंजाम दी जा रही है, जिसकी वजह से अवामुन नाज की दुआएं और ख्वास खताउन हर मौके पर तंजीम को हासिल रहा है। इस मौके पर हाफिज सैयद वाजिद नवाज सदर तंजीम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि शहर में इस हवाले से खिदमत करने वाली बहुत सारी जमातें हैं जो बड़े पैमाने पर खिदमत कर रही है, लेकिन तेलंगाना जमीयतुल हुफ्फाज एक खास तबके को पेश नजर रखकर अपनी खिदमत अंजाम दे रही है और पाबंदी के साथ राशन की तकसीम का नज्म करती आ रही है। उन्होंने तमाम मुआविनीन व मुखय्यर हजरात से इजहार तशक्कुर किया और उल्मा व हुफ्फाज और आयमा मसाजिद से दुआओं की अपील की। तंजीम के नायब सदर हफिज मोहम्मद आमिर हैदराबादी ने भी अपने अजायम के साथ हर तरह का माली ताउन पेश करते हुए मजीद काम को तौसी देने के अज़्म का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मौलाना शेख इस्माइल आरफी इमाम खतीब मोती मस्जिद के अलावा मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयत उलमा निजामबाद, मोहम्मद अफजलुद्दीन सदर ईदगाह कमेटी, मुफ्ती शेख जाबिर खासमी, वसीम अहमद खान, हफिज नईम, हफिज मोहम्मद नदीम, हाफिज इब्राहिम, मौलवी अब्दुल्ला के अलावा हाफिज अब्दुल वली भी शरीक थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तेलंगाना जमीयतुल हुफ्फाज के ऑफिस पे तेलंगाना जमीयतुल हुफ्फाज के जिम्मेदारान की तरफ से अल्लाह के फजलो करम से तकरीबन 20 हुफ्फाज के फैमिली को महाना राशन दिया जा रहा है। अल्लाह के फजलो करम से यह जमीयत पिछले 5 साल से मौलाना वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की मशवरे पे और उनके हुक्म से शुरू की गई थी। आज तक मुसलसिल हर महाना हुफ्फाज फैमिली को जो है ना ये मुस्तहिक हुफ्फाज फैमिली को राशन तकसीम किया जाता है बिला किसी पब्लिसिटी या फोटोग्राफी के, उनके घरों तक एहतराम के साथ पहुँचा जाता है। मैं और तमाम हम लोग जो है आज यहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन मामलीन को इसका जुजाए खैर अदा करे। आमीन सुमामीन। चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर विकास और ने महकुमा रियूनी के अलावा दिगर महकुमा जात के मुलाजमीन से वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर मुलाजमीन को अहम हिदायतें दी और कहा कि इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए तमाम मुलाजमीन खुसूसी तवज्जो दें। चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर तेलंगाना विकास राज ने रियासती असम्बली के इंतखाबी एलामिया की अनकरीब इजराई के पेश नजर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ईआरओस आरओस और दूसरे मुतालिका ओहदेदारों के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। कहा कि जो शिकायत पाई जाती है उनकी आजिलाना एक्सवी की इकदाम किए जाए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अवाम के अलावा सियासी जमातों की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत की एक्सवी के हुआ है। उन्होंने जिला सतह के ओहदेदारों से कहा कि वो जब्तियों पर जिला सतह के मुतालिका कमेटी का इजलास मुनाकिद करे और हकीकी मामलों की फौरी एक्सवी कर दी जाए। उन्होंने कहा कि जब्तियों के मामले में नकाय से पाक रिपोर्ट पेश की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी शिकायत कमेटी के ताल्लुक से वसीतर तशहीर भी की जानी चाहिए और जब्ती के हर मामले में रसीद हवाले की जाए। डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने जो इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे वोटर्स में हक राय दही से इस्तेफादा के लिए एतमाद की बहाली की जरूरत पर भी जोर दिया। महेश भगवत IPS ने जो अखराजात पर निगरानी से मुतालिक रियासती कमेटी को नोडल ऑफिसर भी है कहा कि फ्लैग मार्च और ड्रोन्स के जरिए पुलिस की मौजूदगी का एहसास अवाम में पैदा किया जाना चाहिए। उन्होंने जब्तियों के उमूर में शामिल ओहदेदारों को हिदायत की कि वो किसी भी सूरत में रसाए जारी करें। एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लोकेश कुमार ने कहा कि इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर ओहदेदारों को जामा रिपोर्ट्स रवाना करनी चाहिए। ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सरफराज अहमद ने मुख्तलिफ अशकाल के इस्तेमाल की तफसीलात भी पेश की। डिप्टी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने तमाम DOs को मशवरा दिया कि वो अपने वेबसाइट पर फॉर्म 12D अपलोड करें। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तबादला ख्याल के इस सेशन में तमाम अजला के ERO, ROs और दूसरे सीनियर ओहदेदारों ने हिस्सा लिया।
یوم شہدا کے موقع پر پولیس نے فلیگ ڈے کا اہتمام کیا. آج پولیس ملازمین نے ڈچ پلی سے موٹر سائیکل ریالی نکالی. ایڈیشنل ڈی سی پی نے ہری جھنڈی دکھا کر اس ریالی کو روانہ کیا. ریالی نے مختلف علاقوں کا احاطہ کرتے ہوئے نظام آباد پولیس گراؤنڈ پر اختتام پذیر ہوئی. پولیس شہدا کی یادگاری کے موقع پر پولیس فلیگ ڈے کے طور پر پولیس کمشنر کلمیشور سنگھ نوار کے احکامات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آف پولیس گری راجو کی قیادت میں بائک ریالی منعقد کی گئی. اس بائک ریلی کو ڈچپلی پولیس اسٹیشن سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آف پولیس گری راجو نے ہری جھنڈی دکھا کر ریلی کو روانہ کیا. یہ ریلی ڈچپلی پولیس اسٹیشن سے دھرمارام، مادھو نگر ریلوے گیٹ، بورگام چورستہ، پھلانگ چورستہ، راجا راجندر تھیٹر چورستہ، شیواجی نگر، بڑا پوسٹ آفس، نہرو پارک چورستہ، گاندھی چوک، دیوی روڈ چورستہ، آر ٹی سی بس اسٹینڈ، اسٹیشن روڈ، این ٹی آر چورستہ سے ہوتے ہوئے یہ ریالی ہیڈ کوارٹر پر اختتام پذیر ہوئی. اس پروگرام میں بودھن اے سی پیز کے علاوہ سی آئی و دیگر پولیس ملازمین موجود تھے. آخر میں دیکھیں گے ہیڈ لائنز ایک بار پھر. بی جے پی میں مضبوط و طاقتور امیدواروں کا فقدان، زیادہ سے زیادہ سیٹوں پر قبضہ جمانے کا منصوبہ. 3 ایم پیز کو اسمبل انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اتارا گیا. ساتھ ہی بی جے پی راجا سنگھ کی معطلی کو منسوخ کرنے پر ہوئی مجبور. اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ لازمی. مسلمان ان مصنوعات کو حرام سمجھے اور فلسطینی بھائیوں کے کاز میں خود کو شامل کر لیں. بودھن جمعیت العلماء کے ذمہ داران کا پریس کانفرنس سے خطاب. نہرو پارک کی تزئین اور فواری کی تنصیب. اردو نظر انداز. اردو دا حلقے کی ناراضگی کو محسوس کرتے ہوئے ٹی یو ڈبلیو جے نے اردو تحریر کرنے کا لیا فیصلہ. کارپوریٹر محمد عبد القدوس نے کی ستائش. یوم شہدا پولیس کے موقع پر فلیگ ڈے کا اہتمام. پولیس کی زبردست موٹر بائیک ریالی. ڈچپلی سے یہ ریالی مختلف علاقوں کا احاطہ کرتے ہوئے پولیس گراؤنڈ نظام آباد پر اختتام پذیر ہوئی. خبریں اتنی ہی. مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.